हुआ क्या बताओ। पीछे हटो आप, मुझे मुझसे पीछे हटो। मुझे जॉब से वो निकाल दिया था उन्होंने, आपके खर्चों की वजह से इधर तक पहुंचा हूँ। आपने इतने खर्चे बढ़ा लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने इतनी खप डाली हुई थी, प्रैंक करें प्रैंक करें प्रैंक करें। असल में ना रोज रोज प्रैंक होते नहीं है, प्रैंक के लिए ना एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है, पता चलना चाहिए कि कोई स्टोरी में ना दम होना चाहिए, एक्सप्रेशन आपके रियल लगने चाहिए, पूरा माइंड सेट बनाना पड़ता है, फिर प्रैंक का मजा आता है। और आप देख रहे होंगे मैंने बड़े बाल शाल जो हैं इधर से लंबे शंबे रख लिए हैं, दाढ़ी छाड़ी बढ़ाई हुई है, तो ये सारी प्रैंक की तैयारी थी। और वो प्रैंक क्या आज आप देखना, ऐसा प्रैंक है कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और आज आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैं अरूज को जो हूँ वो इतना प्यार क्यों करता हूँ, ये भी आपको इस प्रैंक में पता चलने वाला है, क्योंकि प्रैंक बहुत ही लेवल का होगा। और मैंने जो है पूरा तकरीबन मुझे हफ्ता 10 दिन हो गया मैं इस प्रैंक का ना थोड़ा थोड़ा माइंड सेट बना रहा था, थोड़ा थोड़ा ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ का असर शो कर रहा था जो भी प्रैंक करने वाला हूँ। तो अभी रूद जो है वो नमाज़ पढ़ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। रोज़ जब तक नमाज़ पढ़ती है मैं ऐसे करता हूँ, मैं कैमरा वगैरह सेट कर लेता हूँ, और फिर जब वो आएगी तो मैं उस प्रैंक शुरू करूँगा, तैयारी श्यारी कर लूँ मैं रोज़ कहने से पहले पहले। तो सर्दी भी बड़ी है। अच्छा तो मैंने ना सेटिंग वगैरह कर लिया, उम्मीद है कि वीडियो सही आ रही होगी। कैमरा छुपा दिया मैंने और माइक वगैरह भी सेट कर दिया है ताकि आवाज़ दोनों की सही आए। अब बाकी वीडियो बनेगी तभी पता चलेगा आवाज़ सही आती है या नहीं आती, उम्मीद तो है कि सही आ जाएगी। तो शुरू करते हैं, बस रोज आने वाली होनी है। रोज जब आने लगेगी ना तभी मैं सेट करूँगा, शुरू करूँगा प्रैंक। और ये तो रोज भी नहीं आ रही, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लेता हूँ ताकि पता चलता रहे जब आने लगेगी। आज लगता है आज ना ये सारे गुनाह वगैरह बख्शवा के सारा कुछ मांग मूंग के ही आएगी। थोड़ा सा दरवाज़ा मैंने खोल दिया है, बस आने वाली है। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे तेरी बात मान लूं? यार अली बात सुन, इंसानों वाली बात कर, ऐसे नहीं होता। यार मैं बच्चा हूँ, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। हेलो हेलो, मैं गुस्से में बैठा हूँ, इसने आनियाँ चानियाँ लगाई हुई हैं। नहीं तो मेरी कॉल बार बार क्यों काट रहे? इंसानियत है तेरे में यार कि नहीं? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे वापस कर, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, ऐसे नहीं होता। हेलो क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हैं? क्या हुआ है? हुआ क्या है? हुआ क्या है बताओ। मुझे
हाँ नहीं, किसका फोन था? क्या हुआ? क्या हुआ है? अच्छा चुप, क्या हुआ? खत्म हो गया सब, क्या खत्म हो गया है? सारा रहमान, सारा सारा कुछ चला गया। रहमान यार, क्या मतलब, क्या हुआ है? किसका फोन था? हुआ क्या यार है? क्यों क्या लोग ऐसे करते क्या हैं? हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही, अब टेंशन हो रही है मुझे। सारा कुछ बर्बाद हो गया है। हुआ क्या है? क्या बर्बाद हो गया है? सारा कुछ मुझे चला गया बताओगे, मेरे साथ हमारा। शेयर करोगे तो मुझे पता लगेगा ना। कैसे बताऊं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही, सब बर्बाद हो। रहमान क्या हुआ है यार? किसका फोन था? क्या हुआ है मुझे बताओ ना। चक्कर आ रहे हैं। क्या मसला, क्या हुआ है? किसका फोन था? एटलीस्ट इतना तो बता दो, मुझे टेंशन हो रही है अब। अली का था, कौन अली? वो लीनिया मेरा दोस्त, 3 महीने पहले जो है वो मुझे जॉब से वो निकाल दिया था उन्होंने। उन्होंने कोई और मतलब के रिप्लेसमेंट कर ली थी कौन सी जॉब से जो मैं करता था। निकाल दिया? क्या मतलब? वो नहीं, उनको जरूरत थी, उन्होंने रिप्लेस करना था जो भी था वो कंपनी ने, मतलब कि उन्होंने कह दिया कि हमें मतलब कि मुझे जरूरत नहीं है आपकी। मुझे समझ नहीं आया फिर के क्या करूं, जॉब वगैरह देखता रहूं, ऑनलाइन इधर उधर ढूंढता रहूं, कोई मिली नहीं है। आप सीरियस हो? मुझे नहीं यकीन आ रहा। तीन महीने से, और आप मुझे अब बता रहे हो? मुझे था कि कोई ना कोई हल कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। रहमान, आपको मुझे श, आप मुझसे शेयर तो करते हैं एटलीस्ट यार। मैं दोस्त सारे नहीं हूं पैसे आपकी? जो थे, सेविंग वगैरह हर चीज वो मैंने अली को दे दी। उसको ट्रेडिंग करता है ना, तो उसने कहा कि फायदा होगा। उसने सारे पैसे मेरे जो हैं वो आगे से कहता है कि सारे जो हैं वो लग गए हैं, लॉस हो गया है। मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, जान के उसने मेरे साथ ऐसे कह रहा है। रहमान यार, आपने मुझसे एक बार भी डिस्कस करना इसको जरूरी नहीं समझा। अच्छा चुप करो, चुप करो, कुछ नहीं होता। यार सारे ऐसे करते हैं, सारे पैसे मेरे रह गए, अब मैं बैंक में आपको कह कोई रही थी, आप थी वैसे ही बहुत जल्दी सब पे यकीन कर लेते। कोई मीठा बन के बात करता है, आप साथ ही उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हो। और आपने मुझसे नहीं शेयर किया, मैं आपकी वाइफ हूँ। यार, क्या बताता मुझे, उसने इतनी उसने कसमें खा ली, उसने कहा कि पक्का फायदा होगा ही होगा। मुझे था कि चलो यार रिस्क लेने हैं ना, चाहे से नुकसान भी हुआ चलो थोड़े लग जाएंगे। अब जितने थे मेरे बैंक में जो कुछ था मैंने सारे दे दिए। मैंने था कि चलो आ जाएंगे एक बार, कोई काम कर लूंगा। मुझे क्या पता था यार वो कब से मेरे साथ है। आपको पता है वो इतने सालों से मेरे साथ है, पैसों के मामले में सारे ऐसे ही करते। अच्छा छोड़ो इसको, उससे अल्लाह खुद ही पूछ लेगा। बैंक में कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे अब पास अभी हमारे सेविंग पास, पड़ी हुई है। उससे कुछ नहीं बनना, इतने खर्चे हैं। तो क्या हो गया? हम पढ़े लिखे हैं, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, और हमने ये बैकअप सोच मैं के रखा 3 हुआ है। महीने से ट्राई कर रहा था, 3 महीने से कुछ भी नहीं बना।
पता नहीं क्या रहमान हो आके मुझसे गया। शेयर तो करना चाहिए, आप अकेले इतनी टेंशन में थे, मुझे एक बार बताते तो सही आप। यार क्या बताता आपको, आपके खर्चों की वजह से इधर तक पहुंचा हूँ। आपने इतने खर्चे बढ़ा लिए, इतने आपने ये ला दो वो ला दो, ये चीज लेनी है, डिलीवरियां करवानी है, पता नहीं क्या क्या कुछ मेरे कौन से मंगवाती रहती खर्चे, हो। मैंने कौन से बस आपके कर दो खर्चे? यार, बस कर दो, पहले मैं बहुत टेंशन में हूं। रहमान मैंने कौन से आपके खर्चे करवाए हैं? मैंने आज तक कभी आपसे ये मुंह मांग के सूट नहीं लिया कि मेरी वजह से आपके खर्चे ना हो। बस कर दो, रोज आपके पता नहीं दराज से कभी कुछ मंगवा रही होती हो, रहमान वो आपको भी कभी पता है, किधर घर की से, जरूरी चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता। कल हम ग्रोसरी करके लाए, वो भी घर की चीज थी, मैंने अपने पे कुछ भी नहीं लगाया आज तक। अच्छा चुप करो ना, कर लेंगे, देख लेंगे, मिलके कर लेंगे ना कुछ। रहमान यार चुप करो, कुछ भी नहीं होना यार, कुछ हो भी नहीं जाएगा होना, ना, ऐसे सब नहीं कुछ करो, बर्बाद हो नहीं गया है, करो ऐसे। सब बर्बाद हो गया रहमान नहीं गया है। करो, नहीं हुआ कुछ भी, हक हलाल की कमाई कहीं पे भी नहीं जाए, जाया नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं क्या जाती। करेंगे हम, कैसे गुजारा करेंगे कर सारा, लेंगे, मैं कह रही हूं ना आपको। यार कुछ भी नहीं बचा, बैंक में सारा खाली हो गया, इतने खर्चे कैसे होंगे। मन आपको मुझे बताना तो चाहिए था ना, एटलीस्ट मिलके करते कुछ। 3 महीने, 3 महीनों से आप जो है, और सारी सेविंग, मुझे इतना यार दुख मुझे हो रहा है थॉट यार, कैसे आएंगे, इतनी उसका बड़ी फिर गलती, इतना कारोबार बड़ा कर डिसीजन लूंगा मैं, आपने, फिर ये आपको बिजनेस पता कर है ना, ये लूंगा। ट्रेडिंग वगैरह सारा कुछ ऐसे ही होता है। यार मुझे क्या पता था, वो खुद भी करते हैं, उन्हें लॉस रहमान नहीं आप होता। इतने समझदार हो आप, और आपने भी ये बेवकूफी की है। और अच्छा चलो कर ली, मुझे एटलीस्ट बताते तो सही यार, यार आपको बता के क्या हो जाना था, नहीं क्या तो मैं पता आपके कुछ नहीं लगती। अब तो हो गया, अब कैसे होगा सारा कुछ। कर लेंगे, कुछ नहीं होता ना, टेंशन लो, मैं हूं ना आपके साथ। पहले आप अकेले ढूंढ रहे थे, मिलके करेंगे कुछ ना कुछ। रहमान यार कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ। चाहिए दिखाओ मुझे, क्या बात, क्या हुई है दिखाओ। क्या कर, फायदा नहीं है देखने का, वो कॉल ही नहीं उठा रहा, उसने मेरा नंबर ही मुझे लगता है ब्लॉक कर दिया, पैसे लेके चले जाते हैं, दोस्ती के नाम पे उसने धोखा दे दिया। बेवकूफ हूँ मैं, रहमान ना करो यार ऐसे, ना करो, पागल आप, ना करो, मुझे भी रोना आ जाएगा आपकी सारा कुछ लुटा दिया, इतनी जितनी सेविंग की थी इतने सालों की सारी मैंने लुटा दी है। नहीं करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कर लेंगे ना, मैं आपको कह रही हूं ना कि कर लेंगे पीछे हटो आप, मिलके। मुझसे पीछे हटो, चली जाओ इधर से, पता नहीं कैसे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कर चलो लेंगे चलो ना, इधर से। और क्या हो गया है मुझे पता, आप टेंशन में ही लगे हुए हो, ये सारा टेंशन में नहीं हूं, मुझे टेंशन में ही हो आप। जाओ इधर से, क्यों जाऊं, चल जाओ इधर से, मैं कह नहीं रहा है तो क्यों, मुझे नहीं पता क्यों। मिलके कर लेंगे ना, मैं आपको कह रही हूं।
जाओ उधर से, वो वॉलेट मेरा उठा के लाओ, उधर दूसरे कमरे में पड़ा है क्या करना है? यार। सवाल जवाब नहीं किया करो, जाओ लेके आओ। प्रैंक में बहुत एनर्जी लगती है, बस हो जाती है। पता नहीं किस तरह का हो रहा है, पता नहीं वीडियो भी आ रही है सही कि नहीं आ रही, वॉइस पता नहीं आप लोगों को आ रही होगी नहीं आ रही होती। या अपनी तरफ से तो मैंने बड़ा सेट सूट किया है, दो मोबाइल मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं इधर उधर ताकि आवाज़ ठीक है, माइक भी लगाया हुआ है, एक माइक मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। 5 minutes later. जल्दी आओ, नहीं एक तो स्लो आप हो। खड़ी रहो भी बैठ जाओ। अब क्या करने लगे इससे? रहमान ये क्या कर रहे हो? कौन सा पिज्जा का होगी, आप पागल हो? और चेक तो कर लूँ कार्ड में कुछ है कि नहीं, ऑर्डर करके देखता हूँ क्या कार्ड कुछ में है। आपके बैंक अकाउंट से भी पता लग जाएगा कि है कि नहीं। पागल चलो हो गया पार्टी कर ये? लेते हैं, बर्बादी की पार्टी आज, गम में खा लेते हैं पिज्जा। कौन सा खाओगी, पागल हो गया? पैसे हैं नहीं और पिज्जा आपने। पैसे बेशक ना हो दिल से तो अमीर हूँ हाँ तो मैं, बस फिर मुझे बर्तन कुछ नहीं चाहिए मैं आपसे, बर्तन धोऊंगा, पिज्जा तो आज मैंने खाना ही खाना है मैं भाई। बना दूंगी आपको, पड़ी हुई है चीजें, मैंने बाहर से मंगवाना, मैंने याशी करनी है, मैं करवा दूंगी जैसे आपकी। जो पैसे आप कह रही थी पड़े हैं आपके पास वो दो, वो नहीं अभी मिलने। पिज्जा मंगवाते हैं। हाँ था कि आपको उनको भी जाया कर दो। मैं छोड़ो पागल हो गया हूँ, मुझे पिज्जा खाना है। मेहमान, कह रही हूँ ना मैं, हम मिलके कर लेंगे, सही हो जाएगा सब कुछ। ओ यार पिज्जा तो खाने दो, कार्ड मोबाइल तो दो इधर। आपने ऑर्डर करना है, कौन से वाला और खाओगे क्या हो गया आपको? यार, पिज्जा खाना है। मैं बना दूंगी ना, घर बना दूंगी, बाहर से अच्छा बनता है घर में, ओए पार्टी करनी है ना, तो पार्टी बना दूंगी आज ही। छोड़ो इसको, ओए पार्टी बर्बाद जो होने दो की, तीन हजार बचे हैं ना वो भी आप इनपे दो लगा तीन दो। हजार तो बचे ही नहीं है, सारा खाली हो गया। सब कुछ खाली हो गया है, बिक गया है सब कुछ, कोई बात नहीं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह दे देगा। और आपका मोबाइल अब बेचने रह गया, बेच देना। और कोई चीज़ है आपके पास जो मैं बेच सकूं। आपकी वो शादी वाली एक अंगूठी पड़ी थी वो भी बेच देता हूँ, बेच दो सब कुछ, बेच। और क्या बेच सकता हूँ, बाइक भी बेच देते हैं, सब कुछ बेच कर ट्रेडिंग खुद करूंगा इस बार मैं। पागल हो अब आप नहीं, मैंने किसी पे भी यकीन नहीं करना, मेहमान, पागल हो? इधर देखो, आप मुझे बस ये बताओ कि बेचने वाली कौन कौन सी चीज़ है घर पे, बर्तन कितने के बिक जाते हैं कैसी बातें कर रहे हो? यार। तो अब कुछ तो करना ही है ना, क्या मैं करके फायदा अब एजुकेशन का? क्या फायदा एजुकेशन नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा ना कि मैं खुद भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मुझे किसी ट्रेडिंग की, कोई भी नहीं करनी। मैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ट्रेडिंग करके आपने नहीं करनी दिखाऊंगा। रहमान, पहले भी वो आपने मुझे नहीं बताई ये सब। ये जो हीटर पड़ा है ना ये पैक कर देना, मैं ये भी सुबह को बेच के आता हूँ कबाड़िए को, इसका कितने के मिल जाएंगे पैसे वैसे हीटर के कैसी बातें कर रहे हो? यार, ना बताओ टेंशन ना लो, मैं। ठीक हो जाएगा। वो मैं टेंशन नहीं ले रहा यार, ये बेड एक, ठीक अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बेड हमें इतना चाहिए, ये इसकी ये बैक हमें चाहिए तो है नहीं, ये हमें लगाई हुई है, लेट नहीं होता है ये, मैं सोच रहा हूँ निकाल के बेच आता हूँ पीछे वाली, बेड का जो जरूरत तो पूरी हो जाएगी हमारी, फिर भी ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बेच के ही कुछ होगा ना, पैसे बनेंगे तो उसके पे ट्रेडिंग कर लूंगा। प्लान कैसा है, मेरी बात सुन 1 मिनट, ट्रेडिंग मैंने इतनी बड़ी ट्रेडिंग करनी है ना, देखिए 10 रुपये लगाने हैं, 100 रुपया आएगा दिनों में अमीर। अरे क्या हुआ, बात तो सुन, ओए ओए अच्छा बात सुन, अच्छा अच्छा बात सुन, पिज्जा खाना, पिज्जा
ओए नहीं पैसे के, ओए ओए बात सुन, ओए मजाक कर रहा था, मजाक था, क्या मजाक कर रहे थे? यही मजाक कर रहा था यार। अच्छा 1 मिनट, पहले रोना बंद करो, रोना तो बंद करो, चुप कर चुप कर। अच्छा बात सुन, बड़े दिनों से सारे कह रहे थे कि प्रैंक नहीं कर रहे, प्रैंक नहीं कर रहे, प्रैंक था। अब मुझे कुछ नहीं समझ नहीं आ रही थी इतने दिनों से, मैंने कहा दाढ़ी शाड़ी भी बढ़ाई हुई है तो चलो इस तरह का ये प्रैंक, मजाक कर रहा था ऐसे प्रैंक कर रहे हो मेरे साथ? यार, मजे का था कि नहीं ऐसे कर रहे हो? मैंने वेल नहीं किया हुआ रहमान। वो, अब उसका मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। अच्छा यार मूड तो आंसू साफ करो जी, आंसू साफ। आईंदा से वो आपने कुछ मुझे बताया बगैर कोई काम किया ना, तो मैंने आपसे मैंने बात कोई नहीं कौन करनी। सा काम किया? मैंने कोई काम नहीं किया बस। सुन ये देख, ये देख, ये देखो, मजाक कर रहा था, पागल बना रहा था बुद्धू को, बुद्धू बन भी गई है। कैमरा दिखाऊं किधर, कैमरा किधर है? वो दे, आया नजर। अब मुझे पिज्जा मंगवा के दो अब टाइम गुजर दो। गया, मैं अच्छा भला ऑर्डर कर रहा था, मेरे अच्छा भला ऑर्डर कर रहा था, आप नहीं मानी, अब तो टाइम गुजर गया। सॉरी, मेरा प्रैंक हो गया, मेरा काम हो गया। रहमान यार कितनी बुरी बात है, ऐसे प्रैंक नहीं करने आइंदा से आपने। कैसे प्रैंक, मैं तो देख रहा था कि आप मुझसे कितना प्यार करती हो। मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि रूज का आज रिएक्शन देखने वाला होना है, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ दोगी। पर वैसे मैंने ज्यादा सोचा हुआ था, मैंने तो कहा था कि डायलॉग मारेगी, कि सुखी होगी, गीली होगी, एक टाइम की खा लूंगी पर आपके साथ रह के खाऊंगी। आपने तो कोई इस तरह की बात ही नहीं की, दिल तोड़ दिया मेरे। अच्छा, सही है। अच्छा बस बस, नहीं तू तो मुझे बहुत प्यार करती है। आइंदा आपने ऐसे किया ना, मैंने सच्ची में आपसे बात नहीं करनी। अच्छा बस सुन, अच्छा पिज्जा मंगवा के दे रहा हूँ, ठीक है? देखो ठीक है। बहुत तेज हो रहे हो हैं। हाँ जी, तो कैसा लगा आज का प्रैंक? आज के प्रैंक में मैं बर्बाद हो गया था, लुट गया था, मर गया था, और रोज ने मुझे ऊपर से और मारा है। आपको और मार पड़नी चाहिए, सही बता रही। और क्या मार पड़नी चाहिए, आपको तो शुक्र करना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ, प्रैंक था। ये वही बात है ना कि बंदा रिपोर्ट करवाते हैं और अगर कुछ ना निकले तो कहते हैं कि रिपोर्ट के पैसे जाया हो गए, उल्टा खुश हो के कुछ नहीं हुआ। अंदर से आपने, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह का प्रैंक नहीं करना रहमान, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा यार, ये लोग कहते हैं मेरा कसूर नहीं है, प्रैंक करने होते हैं तो किसी और तरह करो करो, ये वाले नहीं प्रैंक करने चाहिए तो और आपको। कौन से करूं, दूसरी शादी वाले करूं, दूसरी लड़की ले आता क्यों किराना आप लगा है उसे कोई? छोड़ अच्छा दिया? बात सुन लो, इसके इधर इधर गुस्सा बैठा होता है, ऐसे भाग के आता है गुस्सा, छोटी सी है और गुस्सा देख लो इसका, छोटे से क्या बराबर हूं मैं आपके? बराबर हूँ। इमोशनल अच्छा अभी हम पिज्जा खाने लगे हैं, है ना? तो रोज पिज्जा बनाएगी पिज्जा आपने? बनाऊंगी आप ही कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले वहां बैठ के कि मैं पिज्जा बनाऊंगी, मैं पिज्जा वो तो, तब बनाऊंगी, घर मैं सारी चीजें पड़ी हैं, इसने खुद ही बताया था, चलो बना के लाओ। वो मैं मजाक कर रही थी, क्या मैं ब्रेंग मैं तो सीरियस करी हूं थी। ना। नहीं इतनी मेहनत लगती है, हाँ पैसे नहीं, मंगवा लो। वो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्रैंक अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके बताना कि प्रैंक कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के मजीद प्रैंक करें। अभी तो मुझे पता नहीं ये प्रैंक मैंने वीडियो में डालना भी है कि नहीं, क्योंकि इसने वेल नहीं किया हुआ था, तो ऑब्वियसली मुझे उसका कोई उस पर मास्क मुस्क लगा के देखूंगा वीडियो में, अगर तो मतलब कि वो सही आता हुआ तभी ये वीडियो पोस्ट कर सकूंगा, वरना तो पता नहीं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की हमारी मजीद प्रैंक वीडियोज़ आ जाएंगी और व्लॉग आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।